साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृतलाल गुरवेंद्र। आज हम लेकर आए हैं डिजिटल पॉइंट अकॉर्डिंग टू DCM, जिसे हम लोग दूरस्थ बिंदु भी कहते हैं। तो दूरस्थ बिंदु के इन सिद्धांतों को आज हम इस अपने टॉपिक में सम्मिलित किया है। तो जानेंगे DCM के अकॉर्डिंग दूरस्थ बिंदु है क्या। दूरस्थ मतलब होता है जिसे कि हम डिजिटल पॉइंट कहते हैं। संपूर्ण शरीर को अलग अलग प्रभागों में डिवाइड किया गया है और अलग अलग प्रभागों में डिवाइड करने की वजह से इसको चिकित्सा करना बहुत ही आसान हो गया है। तो साथियों, अकॉर्डिंग टू DCM टोटल 14 मेरिडियन के बारे में चर्चा किया है। वो 14 मेरिडियन में से 6 जो है इन मेरिडियन है और 6 को यांग मेरिडियन कहा गया है। तो 6 इन और 6 यांग 12 हो गया और 2 आपका इसे कंट्रोलर मेरिडियन बताया गया है। तो कंट्रोलर मेरिडियन है वो है CV और GV। CV मीन्स होता है कंसेप्शन वेसल्स, GV मीन्स होता है गवर्निंग वेसल्स। तो कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स 2 मेरिडियंस हैं और मेरिडियंस का अर्थ ही है ऊर्जा प्रवाह पथ। हमारे शरीर में ऊर्जा जिस मार्ग से बहती है उसे हम मेरिडियन कहते हैं। इसी को योग की भाषा में इसे नाड़ियाँ कहते हैं हम लोग और इसे अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर इसको हम लोग कहते हैं मेरिडियंस। तो मित्रों, इस मेरिडियंस का ही विशेष बिंदु है जो संपूर्ण शरीर के अलग अलग प्रभागों के लिए, अलग अलग एरिया के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट नियुक्त किया गया है, जिसको हम लोग डिजिटल पॉइंट कहते हैं। यदि एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, जैसे किसी शहर को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके वहाँ एक एक अलग पुलिस स्टेशन बना दिया जाता है और वे क्षेत्र विशेष को ही क्या करता है, वह कंट्रोल करता है। सिर्फ वैसे ही कंट्रोलर के लिए हमारे शरीर को अलग अलग भागों में डिवाइड करके इसके कंट्रोलर पॉइंट नियुक्त किया गया है। तो इस कंट्रोलर पॉइंट के द्वारा ही वहाँ के सारे समस्या का समाधान किया जाता है। एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमेशा ये डिजिटल पॉइंट टोनिफाइड होता है, इसको सीडेट करना पड़ता है। हमेशा एनर्जी इसमें बढ़ने से ही विशेष तौर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए इसको अक्सर ही इसको सीडेट किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, रोग विशेष कोई विशेष कंडीशन पे इसको टोनिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो साथियों, आइए बिना विलंब किए हम लोग चर्चा करते हैं इस डिजिटल पॉइंट का। हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप पे जाकर आपको गहराई से इसके बारे में बताते हैं। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे लॉ ऑफ डिजिटल पॉइंट, दूरस्थ बिंदु का सिद्धांत। ये दूरस्थ बिंदु है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज डिजिटल पॉइंट? द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिविजन अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ डिजीज। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि शरीर को रोगों के अनुसार, स्थान के अनुसार अलग अलग प्रभागों में बांटा गया है। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि शीर्ष के ऊपर से लेकर ग्रीवा प्रदेश तक का एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको डिवाइड किया गया है, जिसको L4 नाम दिया गया है। इसी को अगर अगले क्रम में देखा जाए तो इसमें बताया गया डिजिटल पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट अवे फ्रॉम लोकेशन ऑफ अलाइनमेंट, बीमारी के स्थान से दूर उपचार के दूरस्थ बिंदु है। यदि हमारे शीर्ष प्रदेश में, यदि इस अग्रभाग में कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपचार का एक दूरस्थ बिंदु हमारे शरीर के हाथ या पैर पे है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज और आपको जानना होगा, ये हमारे हाथ में केहनी से अग्रभाग में होगा या घुटने के नीचे वाले भाग में ही ये सारे डिजिटल पॉइंट पाया जाता है। L4 हमारे हाथ में, जहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मर्म बिंदु, क्षिप्र मर्म के रूप में भी जानते हैं अगर मर्म चिकित्सा देखें तो। बाकी ये हमारा है L4। तो ये दूरस्थ बिंदु का अर्थ ये हो गया, इस शरीर में स्थित वह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे संपूर्ण शरीर के स्थान विशेष के रोग को ठीक करने के लिए उस बिंदु का उपचार दिया जाता है। साथियों, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, इस डिजिटल पॉइंट का प्रयोग हम लोग जब प्रोटोकॉल तैयार करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले इस दूरस्थ बिंदु के एक पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं। इसमें दो चीज होता है, एक होता है डिजिटल पॉइंट और दूसरा होता है लोकल पॉइंट। डिजिटल पॉइंट को हमेशा सीडेशन दिया जाता है और लोकल पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा इसको टोनिफाइड किया जाता है। लेकिन ये कहीं रूल्स में अकॉर्डिंग टू डिजीज कहीं चेंज किया जा सकता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चिकित्सक उसको निर्णय करता है। लेकिन इन जनरल इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है।
तो हमारा ये LI4 पर्टिकुलर एक स्थान विशेष के लिए है जो डिजिटल पॉइंट के रूप में यहाँ पे इंकित किया गया है। केहनी की जोड़, एल्बो जॉइंट तथा घुटने की जोड़ नीचे से नीचे 6 एक्यू प्रेशर एक्यूपंचर के बिंदु है जिन्हें दूरस्थ बिंदु कहा जाता है। अब 6 महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे सर और भी नहीं है क्या? और बहुत सारे डिजिटल पॉइंट है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, स्पेसिफिक है, इसका ही 6 बिंदुओं का ही उपचार दिया जाता है। लेकिन बाकी और भी है रोग विशेष के लिए, उसके अगले स्लाइड में और चर्चा करेंगे। लेकिन इन 6 बिंदुओं को हमें क्या उपचार दे करके सारे शरीर के रोगों को ठीक किया जाता है। इसके साथ और भी बिंदु हम ऐड करते हैं लेकिन प्रोटोकॉल में सबसे पहले स्थान हम इन्हीं बिंदुओं का देते हैं। या अगर 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के रूप में उपचारित करना है तो आप इन्हीं बिंदुओं को, चाहे वो P6 हो, ST36 हो या LI4 हो, इसको दबाव दे करके, इसमें मैग्नेट लगा करके, इसमें चने के दाने लगा करके, या फिर इसमें हम लोग चक्रा मैग्नेट लगाकर उपचारित कर सकते हैं। अब मेन डिजिटल पॉइंट कौन कौन से हैं? 6 मेन डिजिटल पॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में 6 महत्वपूर्ण जो दूरस्थ बिंदु है, इस दूरस्थ बिंदु को हम लोग पहले देख लेते हैं। शरीर के आगे भाग फ्रंट एरिया में, या अपर लिम्ब कह सकते हैं, बॉडी की फ्रंट एरिया का जो अपर लिम्ब है उसमें से पाए जाने वाले ये 3 बिंदु है। ये फ्रंट में भी है और बैक में भी है। तो बैक में कौन सा है और फ्रंट में कौन सा है उसको मैं चर्चा आपके सामने करना। जो फ्रंट वाला है वे 2 महत्वपूर्ण यहाँ पे हैं अपर लिम्ब में, वो है LI4 और P6। LE7 पीछे वाले भाग के लिए कहाँ से कहाँ तक है इसको मैं स्पेसिफिक अलग अलग स्लाइड में आपके सामने चर्चा करूंगा। दूसरा नंबर दिया है शरीर के पीछे भाग के लिए दूरस्थ बिंदु, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मतलब हमारे डायफ्राम से नीचे, अपर लिम्ब का मतलब है डायफ्राम से ऊपर। यहाँ पे डायफ्राम को ही सेंटर पार्ट मान करके हमारे विशिष्ट और TCM में इसको लिया गया है। अब नीचे भाग में देख लीजिएगा ST36, स्टमक का ये 36 नंबर है। दूसरा जो इसमें दिया है 5th नंबर, वो है UB54, यूरिनरी ब्लडर का, इसका 54 नंबर है। और इसमें सॉरी 3 नंबर लिखा गया है, ये 6th नंबर है SP6। स्प्लीन जो प्लीहा है इसका 6 नंबर है ये, तो ये 6 नंबर को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होगा इसके लिए स्पेसिफिक में अलग अलग स्लाइड में आपके सामने यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले अपर लिम्ब का सबसे पहला डिजिटल पॉइंट है LI4। तो LI4 पर्टिकुलर फेस एंड स्पेसिफिक सेंस आर्गन, जैसे आँख, कान, नाक, गले, ये सारे जो सेंस आर्गन सामने हैं टंग वगैरह के लिए, तो फ्रंट ऑफ हेड एंड नेक, इन पर्टिकुलर एरिया के लिए ये डिजिटल पॉइंट दिया गया है। अब ये डिजिटल पॉइंट हमारे का है LI4, हाथ में कहाँ पे हैं आपके हथेली के पीछे वाले भाग में, वो आप यहाँ पे फोटोग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेसिफिक से, बड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा इसमें देख ली मैंने अलग अलग लोकेशन से मेरिडियन को बना करके, यहाँ पे पर्टिकुलर एक हड्डी है, हड्डी के एरिया को दिखा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो LI4 इसको दबाव कैसे देना है, ये पर्टिकुलर है कहाँ पे, इसको आप अलग अलग फोटो के माध्यम से, फोटोग्राफ के माध्यम से यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये हमारा LI4 है। तो LI4 यहाँ पे जो दिया गया है, और इस मेरिडियन को देखिए, मेरिडियन जो हमारे इंडेक्स फिंगर्स होकर के प्रारंभ होकर के जो क्लासिकल मेरिडियन बॉडी में चलती है अकॉर्डिंग टू TCM, तो ये यहाँ से चलती है 1, 2, 3 और ये 4 नंबर है, फिर 5th नंबर यहाँ कलाई पे आ जाती है। इस तरह से वो ऊपर जाते हुए LI जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा, वो सीधा आपके फेस वाले एरिया पे जा करके समाप्त होती है। और इसको दबाव देना है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाथ से, अपने हाथ से ही, या दूसरे के दूसरा व्यक्ति भी हाथ से दबाव देता है, तो इस तरह से दबाव दे करके अंगूठे के सहारे इसको दबाव दिया जा सकता है। एनर्जी बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज, एनर्जी घटाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इसको दबाया जा सकता है। तो साथियों मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी बात, आप इस LI4 एक दूरस्थ बिंदु है। अब कौन कौन से रोग में इसको उपचारित किया जा सकता है, दबाव दिया जा सकता है, जिसको आप देख लें आप। हेडेक, किसी भी प्रकार की सर दर्द हो उसके लिए हम इस LI4 पॉइंट को उपचार दे सकते हैं। हेडेक कहीं से भी हो, किसी प्रकार से हो, यदि इसको टोनीफाइड करने पे यदि मान ले पेन बढ़ता है तो इसको आप सीडेट कर दीजिएगा। लेकिन इन जनरल सीडेट ही किया जाता है, अगर सीडेशन से प्रॉब्लम बढ़ती है तो टोनीफाइड कर दीजिएगा। साइनोसाइटिस, नाक से संबंधित, या एलर्जी हो, छींकी आ रही हो, या नाक में हड्डियां बढ़ रही हो,
तो इन सभी रोगों के लिए भी एलआई पॉइंट एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिक डिजिटल पॉइंट ही इसको हम लोग कर सकते हैं। श्योर थ्रॉट, अगर गले में किसी प्रकार की खराश वगैरह हो, आवाज़ में कोई दिक्कतें आ रही हो, तो ग्रीवा संबंधी विकार जो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम इस LI4 का उपचार देंगे। स्वेलिंग ऑफ आइज, आँख में यदि स्वेलिंग हो तो भी LI4 का उच्चारित करते हैं। फीवर, फीवर के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है ये। अगर किसी प्रकार की भी फीवर हो, चाहे हे फीवर हो या कोई भी हो, कफ कोल्ड के साथ आ रहा हो, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक पॉइंट LI4 और इसके साथ और भी करते हैं LI11 और GB14। इन दो बिंदुओं को ऐड करते हैं। अगर BP हाई या बढ़ रही हो या कफ कोल्ड लेकर आए हो, तो GB20 को भी सम्मिलित करते हैं। टोन इम्यून सिस्टम, ये हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। तो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, इसको टोनिफाइड किया जाता है। और कॉन्स्टिपेशन, अगर व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन भी दो प्रकार के, एक मेंटल कॉन्स्टिपेशन, एक फिजिकल कॉन्स्टिपेशन, दोनों के लिए काम करता है ये। विशेष तौर हमारे मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर कोई तनाव टेंशन हो तो उसको सिडेट कीजिए, यदि आप डिप्रेशन में तो उसको टोन कर दीजिए आप। टोन मतलब एनर्जी को बढ़ाना, सिडेशन मतलब एनर्जी को घटाना होता है। तो इस प्रकार से मित्रों आपने LI4 डिजिटल पॉइंट के बारे में जाना है। दूसरा और महत्वपूर्ण डिजिटल पॉइंट हमारे अपर लिम्ब बैक साइड के लिए है। मैंने अभी फ्रंट साइड के लिए बताया था, ये LU7 बैक साइड के लिए होता है। ऊपर से लेकर के हमारे डायफ्राम के पीछे वाले एरिया, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने एरो का चिन्ह लगा दिया है, तो आप इसको यहाँ पे डायफ्राम है तो डायफ्राम तक ही एरिया, ऊपर से लेकर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे स्पेसिफिक आता है। बैक ऑफ हेड एंड नेक, बैक ऑफ चेस्ट एंड लंग्स, देखिए इस एरिया के सारे संपूर्ण विकारों के लिए इस हम LU7 पॉइंट को यूज करते हैं। ये डिजिटल पॉइंट है, ये पर्टिकुलर एरिया है हमारे बैक साइड का, अपर लिम का। तो इस अपर लिम के उपचार के लिए हम लोग LU7 का प्रयोग करते हैं। अब इसको देखिए LU7 कहाँ पे है, कैसे इसको चेक कर सकते हैं। देखिए LU7 अलग अलग, मैं फोटोग्राफ के माध्यम से अलग अलग एंगल से दिखाने का प्रयास किया हूँ। इसकी जो दूरी जो है, हमारी जो कलाई होती है जहाँ से मूवमेंट आता है, वहाँ से 1.5 कुन है। 1.5 कुन अगर आप नापेंगे तो एक कुन अंगूठे की चौड़ाई के बराबर होता है, तो उससे और डबल कर लीजिए, या फिर आप दो अंगुल माप लीजिए इसको। यदि दो अंगुल मापते हैं कलाई से ऊपर की ओर, तो ये पर्टिकुलर LU7 पार्ट यहाँ पे पाया जाता है। ये इन साइड होता है, यंग साइड कभी भी नहीं देखिएगा, तो इन साइड है। जैसे ऊपर भी यहाँ देखिए LU7 मैंने दिया है, और यहाँ भी ऊपर तो मैंने हड्डी वाले एरिया को स्पेशल दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा हड्डी का उभरा हुआ भाग होता है, जस्ट उसके नीचे जो सरफेस, राउंड सरफेस होता है, वहाँ पे LU7 को हम लोग इंडिकेट करते हैं। देखेंगे कैसे, देखिए हाथ में इस तरह यहाँ से पकड़ने का है, ग्रिपिंग अपने हाथ से, तो हमारे इंडेक्स फिंगर जहाँ पे टच होता है, देखिए लगभग ये टच जहाँ पे हो रहा है, वही वाला भाग हमारा LU7 का भाग है। तो LU7 हमारे लंग संबंधी विकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। किन किन रोगों में इसका उपचार दिया जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस आज महत्वपूर्ण एक रोग के रूप में हर व्यक्ति, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये हमारे ग्रीवा के पीछे वाले प्रदेश में, चाहे दर्द हो, चकड़न हो, बहुत सारे विकारों में इसको उपचार दिया जाता है। अपर बैक पेन, अगर चेस्ट से ऊपर वाले भाग के कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लंग्स के पीछे में भी कोई पेन हो रहा हो, तो भी इसको LU7 को उपचारित करें। हेमिप्लेजिया, या इसको जो कहें शरीर के अधरांग कहते हैं, शरीर के आधे अंग में कोई प्रॉब्लम एकाएक आ जाए, या इसको और भी अन्य शब्दों में पैरालिसिस हो, या पैरालिसिस होने की संभावना हो, तो भी हम इसे LU7 का उपचार करते हैं। निमोनिया में भी इसका प्रयोग करते हैं, लंग्स में पानी आ जाती, भर जाती है, या श्वास लेने में दिक्कतें होती है, तो भी LU7 का उपचार करते हैं। सडन अचानक फेंटिंग, किसी प्रकार का अगर चक्कर या बेहोशी किसी भी प्रकार का व्यक्ति को अचानक आने लग जाए, तो LU7 को ही उपचारित किया जाता है, इसको सुजीट कर दीजिएगा। इसमें लिखा है ट्राइजेमेनियल न्यूरोल्जिया, ये महत्वपूर्ण एक रोग है जो हमारे शरीर में पर्टिकुलर नस से, नस नाड़ियों संबंधित होता है। जब चेहरे के पर्टिकुलर एरिया पे हमारे पीछे क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये यहाँ से निकलती है पीछे वाले भाग से और पूरे चेहरे वाले भाग में आता है। जब कभी हमारी नसें स्पाइन में या किसी कारणवश दबना शुरू हो जाती है, तो चेहरे में जोरों से खिंचाव और दर्द होती है, या चेहरे के पर्टिकुलर एरिया क्या फड़कने लगता है, तो ये एक बहुत ही एक खतरनाक, यूँ कह सकते हैं क्रिटिकल डिजीज के रूप में है। इसका उपचार भी हम LU7 इस बिंदुओं को सीडेट करके ही करते हैं।
महत्वपूर्ण मितियों साथ ये बहुत सारे और भी बिंदु हैं, मैंने केवल 6 पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया है। इन बिंदुओं के उपचार के लिए हम LU7 का, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं बेक वाले अपर बेक एरिया की कोई भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग इसे LU7 को यूज करते हैं। तीसरा नंबर जो महत्वपूर्ण है P6, गले से लेकर के नाभि तक के भागों के लिए है। ये अपर लिंब का एरिया है तो इसमें हम लोग यहाँ से लेते हैं, लेकिन वह चीज डाइफाम तक होता है, लेकिन ये नाभि तक का लिया गया है। पर्टिकुलर डाइफाम पूरे एरिया का विशेष तौर से कवर करता है, लेकिन बेक नीचे से लेकर नाभि तक के ये इंटरनल एरिया का, यहाँ पे लिखा है फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड अपर हाफ ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। हमारे अंदर के जो वॉल होते हैं इसमें एब्डोमिनल वॉल, उसके लिए भी P6 कार्य करता है। कुछ लोग P6 केवल आपका डायफ्राम तक मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू TCM तो ये गले से लेकर के पूरे नाभि तक के एरिया को कवर करता है। अब इसको देखते हैं हम, ये है कि कौन कौन से रोग में इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसका लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, कलाई से हम देखिए इसको नापने का तरीका क्या है, इसको हम लोग कून कहते हैं। अगर फिंगर से नापते हैं 4 अंगुल बराबर आपका 3 कून होता है, तो यहाँ पे 2.5 अंगुल दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे 2.5 अंगुल बराबर 2 कून है यहाँ पे, तो 2 कून की दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 कून की दूरी है। 3 फिंगर उंगली लगाए गए यहाँ पे, अगले 3 में से 2 का भी आधा में ही सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच जिस व्यक्ति का हाथ है उसी व्यक्ति अपने हाथ से इसको मापते हैं P6 को। तो ये P6 का महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम लोग सीडेट कर सकते हैं रोग विशेष के लिए। तो ये हमारा लोकेशन है, इस लोकेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से रोग में इसका उपचार कर सकते हैं, एंजाइटी हो, रेसिंग हार्ट, अगर हार्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, हार्ट बीट कम हो रही हो, या उसमें पल्पिटेशन ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो भी इसको हम लोग यहाँ पे उसको सीडेट कर सकते हैं। फियर, भय, किसी प्रकार से आकस्मिक भय हो उसको हम इसको इस पॉइंट को सीडेट करते हैं। सैडनेस हो तो इसको टोनीफाइड किया जाता है, ये सैडनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्टफिक चेस्ट, अगर स्टफिक चेस्ट मतलब चेस्ट में अगर कहीं कंजक्शन वगैरह प्रॉब्लम हो जाए, चेस्ट में पेन हो, तो इसके लिए भी हम इन बिंदुओं का उपचार देते हैं। नोजिया और ओमेटिंग, अगर उल्टी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो या होने की कोई चांस बन रहा है, तो उसके लिए भी P6 का प्रयोग किया जाता है। मॉर्निंग सिकनेस, कमजोरी जो आती है सुबह उठते ही, यदि व्यक्ति कमजोर फीलिंग करते हैं अपने आप को, ऐसा लगता है कि उठने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप P6 का उपचार दे सकते हैं। इंसोमनिया, अनिद्रा की जो रोगी है उसमें भी है। ब्रिस्ट पेन, आपके कलाइयों में दर्द हो या स्टमक, तो हमारे जो स्टमक में अचानक पेन होती है, दर्द हो जाती है, तो उसके लिए भी P6 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण हमारे डिजिटल पॉइंट है, इस डिजिटल पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर जो है आपका ST36। ST36 हमारे डायफ्राम से लेकर के नीचे आपकी नाभि से नीचे वाले भाग तक का है। इसमें दिया है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एब्डोमिनल GIT डिसऑर्डर्स, गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स, GIT कहते हैं इसको। हमारी ये पाचन तंत्र है, यूँ कह सकते हैं पाचन तंत्र के लिए सबसे प्रष्ट अगर कोई अगर हमारे पास डिजिटल पॉइंट है वो है ST36, स्टमक का 36 नंबर है। तो अगर मान लीजिए आपको पाचन तंत्र में कोई रोग होता है, तो आपको सबसे पहले ST36 को चूज करना चाहिए। अच्छा, इसका लोकेशन पर्टिकुलर हमारे शरीर में पैरों में कहाँ पे, ये हाथ पे नहीं, ये पैर पे है। आप देख लीजिए ये जो हमारा ज्वाइंट है, पहले ये हड्डी वाले एरिया जो मैं दिखाया गया हूँ, वो जो ज्वाइंट है, वो जो है ज्वाइंट और आउटसाइड है, ये छोटी उंगली की तरफ, ये ध्यान रखिएगा, ये पैर के अंगूठे अंदर साइड नहीं है, आउट एरिया को हम दिखा रहे हैं, दो पैर के पीछे बाहर तरफ। तो ये है 35, और 35 से नीचे यदि आप यहाँ गए 3 कून 4 अंगुल वहां से मापिए। देखिए यहाँ पे मैं हाथ भी लगा कर दिखा दिया हूँ, यहाँ से रखकर 4 अंगुल नीचे आप नापेंगे यहाँ पे, तो टीबियल दिया गया, यहाँ टीबिया और फिबुला जो है उसमें, तो यहाँ पे दोनों के बीच वाले एरिया पे ST36 है। तो इसको जानना और पकड़ पड़ाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा गहरा वाला भाग है। जब यहाँ ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ 4 अंगुल मापेंगे, तो ये गहरा वाला भाग यहाँ पे उंगली में देखिए यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस बिंदु पे हम उपचारित कर सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो हाथ से भी दबाव दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथ का फोटोग्राफ भी दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोनों पैरों में
एक चीज विशेष ध्यान रखना है, प्रत्येक मेरिडियन बॉडी के बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ पाया जाता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड भी। केवल दो ऐसे मेरिडियन है जिसको जीवी और सीवी करते हैं, वो सेंटर में, फ्रंट साइड में और बैक साइड पे चलती है। इसलिए दो बिंदुओं का विशेषता ध्यान रखेंगे, ये हमारा ST36। इसे किन विशेष रोगों में उपचार दे सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है, दिखे प्रोमोटेस यूअर ओवरऑल वेलनेस। ये पूरे संपूर्ण हमारे शरीर के पहले तो एक पूरे स्वास्थ्य को ध्यान रख करके इसको हम टोन कर सकते हैं। ये कर सकते हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्षमता, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है। ट्रिस गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यह पाचन संबंधी संभिन्न रोगों के लिए इसको हम उपचार दे सकते हैं ST36। ये इसमें लिखा गया है स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम, ये प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। इनहेंस फर्टिलिटी, ये हमारे जो फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसकी क्षमता, यूँ कहते हैं कि यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है ST36। प्रजनन शक्ति को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। तो ST36 हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक डिजिटल पॉइंट है। नेक्स्ट नंबर बैक एरिया, डायफ्राम से लेकर के कमर, लोअर बैक, यूरोजेनिटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं या उससे संबंधित जो आर्गन है उससे होने वाले रोगों के लिए इसको उपचारित करते हैं UB54। एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और आज जो स्पाइन से संबंधित होने वाले अलग अलग रोग है इसके लिए एक डिजिटल पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। इसको देखते हैं हम कौन कौन से, अब इसका एरिया, स्पेसिफिक एरिया आप देख लीजिए। डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे लंबर एरिया तक ले सकते हैं हम लोग, जो हमारा लंबर एरिया है। तो लंबर एरिया तक के बैक में कोई भी प्रॉब्लम आती, खिंचाव, तनाव, चोट या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो XYZ, तो उसके लिए UB54 को हम लोग यूज़ करते हैं। और मैंने पहले ही बताया था इसको सीडेट विशेष तौर से किया जाता है, सीडेशन दिया जाता है। इसका लोकेशन देख लें आप, इसका लोकेशन देखिए बिल्कुल घुटने के पीछे है, जहाँ मैं रेड कलर लगाया यहाँ पे ब्लैक कलर लगाया, देखिए हड्डियों के इस एरिया पे। तो ये हमारा ब्लैक कलर यहाँ पे जो दिया गया, देखिए दो हड्डियों के जॉइंट में थोड़ा सा ये ब्लैक कलर थोड़ा सा नीचे हो गया, ये दो हड्डियों के बिल्कुल जॉइंट में पर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड कलर जो लगाया हूँ मैं इसमें। तो ये हमारे मेरिडियंस है और 67 सबसे लंबी मेरिडियन है। विशेष तौर आपको याद रखने योग्य बिंदु ये है कि बॉडी की सबसे लंबी मेरिडियन जो आँख के अंदर वाले भाग से शुरू होकर के देखिए छोटी उंगली के सबसे टॉप लास्ट वाले भाग जो हमारे नाखून है उसके लास्ट में समाप्त होती है। तो ये सबसे लंबी मेरिडियन यूबी मेरिडियन है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के मेरिडियन का स्पेसिफिक पॉइंट है, ये बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक चलने वाली सबसे लंबी मेरिडियन। तो साथियों ये इस डिजिटल पॉइंट को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। हेमरॉइड्स, अगर किसी प्रकार व्यक्ति को हेमरॉइड्स हो, पाइल्स जिसे कहते हैं, यहाँ छोटा नंबर 30 नंबर पाइल से भी लिखा हूँ मैं, अगर बवासीर की प्रॉब्लम हो व्यक्ति को, एनस पार्ट में मसल्स बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक पॉइंट ही इस पॉइंट को सीडेट कीजिए। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो तो कब्ज के लिए उपचार करते हैं। स्लीप डिस, आज का महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क, हमारे स्पाइन में दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, वो डिस्क की अगर कोई प्रॉब्लम हो हट जाए अपने स्थान से या उसमें से किसी प्रकार से टीरिंग हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम होने लग जाए, तो वहाँ के लिए हम UV54 का यूज़ करते हैं। लोअर बैक पेन, कमर में किसी प्रकार का भारीपन या तनाव खिंचाव, साइटिका, साइट का पैर में पूरे ऊपर से जब दर्द होने लग जाए तो उसकी समझिए वो कमर से ही आती है, तो साइटिका के लिए भी UV54 को आप सजेस्ट कर सकते हैं। नी ज्वाइंट पेन, घुटने की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए UV54 का प्रयोग करते हैं। ऑर्टिक एरिया, पित्ती उछलना कहते हैं हम लोग, शरीर में गोल गोल चकत्ते जैसा बन करके पित्ती उछलता है विशेषतः गर्मियों में, तो इस पॉइंट को आप सीडेट कर दीजिए। स्पेसिफिक पॉइंट 1 पॉइंट यदि यूज करना चाहते हैं तो ऑर्टिक एरिया में पित्ती उछलने की प्रॉब्लम है, UB54 को आप सीडेट कर सकते हैं। तो साथियों कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना चाहिए और इस डिजिटल पॉइंट को चिकित्सकीय उपचार देते समय इसको जरूर अपने उपचार में सम्मिलित करना चाहिए। हमारे पास एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे कहते हैं SP6, एक डिजिटल पॉइंट है। ये नाभि से लेकर के नीचे तक का एरिया समझिए, नाभि से नीचे का जो पार्ट है वो वहाँ से लेकर के हमारे नीचे टॉप, अगर टॉप यू कर सकते हैं, पेरिनियम पार्ट, यानी कि पेरिनियम, पेल्विक ऑर्गन्स एंड बोटेक्स,
एक्सटर्नल जिनेटाइल ऑर्गन्स जी, इससे संबंधित होने वाले रोग है इन रोगों के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने लिए, फ्रंट और बैक दोनों एरिया, बैक मतलब बुटेक्स एरिया हमारे हैं, तो इस बुटा के एरिया पीछे वाले भाग है उस भाग के लिए भी उपचारित करते हैं। तो एक ऐसा डिजिटल पॉइंट को फ्रंट एरिया को दिया जाता है, बैक को भी देते हैं हम लोग इसमें। तो नाभि से नीचे जितने भी हमारी जो पेल्विक रीजन में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चाहे जेनिटल ऑर्गन्स कह सकते हैं, ओवरी यूट्रस हमारे पास है, या फिर उसमें हम पुरुषों के लिए भी देखा जाए तो इसमें उनकी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं या उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके लिए भी इसको उपचारित रूप में हम लोग इसको उपचारित करते हैं। अब देखते हैं ये पॉइंट हमारे पैर में कहाँ पाया जाता है, इसको लोकेशन का ध्यान रखना जरूरी है। और ये देखिए हमारी ये टखना है, टखने से जस्ट कहाँ किधर, अंगूठे की तरफ इसका ध्यान रखेंगे। अंगूठे की तरफ आप टखने से यहाँ से तीन कुन ऊपर है, चार अंगुल, तीन कुन का मतलब चार अंगुल, जैसे मैंने उंगलियों से नाप लिया है, आप यहाँ पे हाथ रखिए और यहाँ से यहाँ चार अंगुल, जो हड्डी है उसके जस्ट नीचे किनारे पे ही SP6 है। मित्रों इतना इंपॉर्टेंट है, पहले माताएं बहनें इसी एरिया पर ही पायजाब पैर में जो मोटी चौड़ी पट्टी लगा दी थी, तो ये पॉइंट स्वाभाविक ही दबता था, तो उन्हें किसी प्रकार के जेनेटल जो प्रॉब्लम होती थी या गायनिक जो प्रॉब्लम, गायनोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती थी उससे उसे मुक्ति मिलती थी। लेकिन आजकल व्यक्ति यहाँ पे कुछ पहनते नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो यहाँ पे मसाज देना चाहिए। आप यहाँ पे मसाज दे सकते हैं, दबाव दे सकते हैं, और डेली आप राउंड सर्कल में दबाव दीजिए, पर्टिकुलर एरिया को दबाव दीजिए, इससे होने वाली जितने भी जेनेटल प्रॉब्लम है, हमारे यूरोजेनेटिकल कह सकते हैं, या फिर आप प्रजनन संबंधी विकार, रोग संबंधी विकार है, इस विकारों को भी इस बिंदुओं को दबाव देकर उपचारित किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से ब्लीडिंग सबसे महत्वपूर्ण है ब्लीडिंग के लिए, ये ब्लीडिंग एनी टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग कर सकते हैं इसको हम लोग, चाहे वो ब्लीडिंग जो है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों प्रकार के ब्लीडिंग में प्रयोग करते हैं, या महिलाओं के मेंसेस में होने वाली ब्लीडिंग एक्सेस ब्लीडिंग है, या कभी कभी कई प्रकार यूट्रस या ओवरी से होने वाली एक्सेस ब्लीडिंग है, उस ब्लीडिंग को इससे दबाव देकर सीडेट करके इसको सीडेट कर देंगे, तो कैसी भी ब्लीडिंग हो इसको सीडेशन दीजिए, ये बिल्कुल ब्लीडिंग को रोकता है। डायरिया, डायरिया, नोजिया और वोमिटिंग, इसके लिए भी इस पॉइंट का उपयोग, पेन इन जेनेटल्स, अगर किसी प्रकार के जेनेटल ऑर्गन्स में दर्द होने लग जाए तो इस पॉइंट को सीडेट कर दीजिए। इस्नोफीलिया, ब्लड में हो इस्नोफीलिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो व्यक्ति को छींके वगैरह से लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो भी इसको, पेन फॉर ऑल गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये पॉइंट ऐसा एक पॉइंट है इसमें दिया गया है, पॉइंट फॉर ऑल गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, गायनोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट है। साथ साथ ये बुटेक में पीछे वाले एरिया पे, या फिर आपके पीछे टेन बोल में भी यदि प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी इस पॉइंट को सीडेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण है ब्लड संबंधी, रक्त संबंधी विकारों के लिए SP6 का उपचार दिया जाता है। मित्रों ये जो 6 जो हमारे पास डिजिटल पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, एक वरदान है TCM का, और इसका हमने आज 18-19 साल हो गया इसका उपचार हम प्रयोग कर रहे हैं, ये चमत्कार है, ये चमत्कार से कम नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कीजिए, भरपूर प्रयोग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।